प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आज आप लोगों का हिंदी का पेपर होने जा रहा है क्लास 10th से, जो कि 23 सितंबर के दिन हो रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग आपको जो है ना दोनों वीडियो का ऐसे तो हम आपको पर्सनली जो है इसमें सब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले थे, बट आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का बता देंगे। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी दिखाता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव है ना, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन पहला है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था, है ना। तो मैं सारे क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा, पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी सिखाऊंगा, तो देख सकते हो, है ना। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ो। तो चलिए, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन का बताऊंगा, 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव है, 25 क्वेश्चन का जवाब देना। तो पहला क्वेश्चन है कि टॉक का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो पहला का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, मुद्रा। दो नंबर की ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आप इसका नोट करेंगे, डी होगा ग्रामीण। ठीक है, नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, आमरण शब्द से जुड़े के लिए कौन सा विकल्प सही होगा, तो 3 का ऑप्शन आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह छत से गिर पड़ा, किस वह कारक का उदाहरण होगा, तो 4 का नोट करिएगा, ऑप्शन होगा अपदान कारक का। ठीक है, नोट करते चलिएगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की सवा शब्द का लिंग क्या है। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन भी नोट करिएगा, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 6 है, दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो नोट करिएगा, 6 नंबर का ऑप्शन सही होगा, अनुभवहीन होना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोला गया कि प्रश्न वास्तविक शब्द में क्या प्रत्यय हो सकता है, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी नोट करिएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 8 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है, तो 8 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट करिएगा, मैं। क्वेश्चन नंबर 9 के निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, तो 9 का नोट करिएगा, बी नंबर होगा, हितैषी। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बताइएगा परिविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, तो 10 का सी नंबर होगा, विशेषण की। 11 है कि जन्म मरण शब्दों में कौन समास होगा, तो 11 का ऑप्शन होगा, द्वंद्व समास, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा, ये आपका सन्यासी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, ये आपसे बोला ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते उसे क्या कहेंगे, तो 13 का ऑप्शन बी नोट करिएगा, यौगिक होगा, यौगिक शब्द। 14 है दही वाली मंगम्मा किस जो ना कहानी किस भाषा से ली गई है, तो आप नोट करेंगे, 14 का ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, 14 नंबर का डी हो जाएगा, कन्नड़ भाषा ये कहानी है। ठीक है, पन्ना के माँ शीर्षक कहानी में किसने जो है ना अपने बड़े पुत्र के पत्र लिखा है, तो 15 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है 15 नंबर का एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं इसके बाद सब्जेक्टिव का भी वीडियो डाल लूँगा, आप तैयार रहना चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए, और भी आपका साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश का होगा, उसके लिए भी आप तैयार रहना, नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो अपलोड होगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, 16 नंबर के जाते विश्वास ऐसा पाठ के रचनाकार कौन का नाम क्या है, तो 16 का ऑप्शन नंबर नोट करिएगा, बिल्कुल आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 60 कोड़ी होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 17 नंबर बोला गया प्रश्न की लड़का अगर कुछ उधम हो करता हो तो उसे मना करने का हक किसमें नहीं है, तो आप 17 का नोट करिएगा, 17 का ऑप्शन सी होगा, नजम्मा में। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसका उत्तर मेरे को नहीं पता है, क्वेश्चन छोड़ देना, है ना। यहाँ पर देखिएगा इसका उत्तर आप नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर 20 का ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है ना बी नंबर। ठीक है, ये आपका विनोद सचिदान निरानंद भाषा या न की होगा। आगे बात करते हैं 23 नंबर का, 23 नंबर प्रश्न की घनानंद की भाषा क्या है, तो आप 23 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रजभाषा। तो चलिए प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अभी आंसर बताऊंगा इसी वीडियो में, उसके पहले गूगल में चलना है आपको, और कैसे डाउनलोड करना है इसका पीडीएफ वगैरह वो सिखा देता, आप गूगल में जाकर के अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो आप लोग पहले सीख लो, फिर वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना, और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को चैनल का नाम जो है मिथुन स्टडी सेंटर गूगल या क्रोम ब्राउजर में क्या करना है आकर के सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद थोड़ा सा आप लोग ऊपर करिएगा, थोड़ा सा ही करना है, देखिए फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिला, इसी पर आप लोग क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आप आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, तो आपके सामने जो है ना क्लास
टेंट का सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्लास टेंट रहा, ये रूटीन के लिए है फर्स्ट वाला, इसमें नहीं क्लिक करना। नीचे पढ़ोगे तो देखो लिखने को मिलेगा क्लास टेंट सेप्टेम्बर एग्जाम, ये सेकंड नंबर पर यानी दूसरा नंबर पर जो है इस पर क्लिक कर लोगे। इस प्रकार से जैसे इंटरफेस पेन होगा आराम से स्क्रॉल डाउन करके पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग इसे भी ज्वाइन हो सके तो कर लेना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़िएगा। ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर मिल जाएगा, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस। फिलहाल हम लोगों को हिंदी करना है, हिंदी के सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर क्लिक करिएगा। पेज वगैरह को एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा अगर आंसर की वगैरह ना दिखे तब। ठीक है, तो आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अभी जो आंसर मैं बता रहा हूँ प्रॉपर सही से आंसर है, देख लो, मिला लो आप लोग वीडियो का और यहाँ का मिला लो। ठीक है, और देखो सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर है, क्वेश्चन के साथ में आंसर यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो आकर के आप सारे क्वेश्चन का उत्तर भी यहाँ से लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अन्य नीलराज अपराधी किसे कहा है? तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो है ना डी नंबर, नोट करना है नाखून को। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन बारियो किसने कहा था? तो 25 का ऑप्शन नंबर नोट करिएगा आपका जो है ना ए नंबर 25 नंबर का भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग डी 25 का ए नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि हिंदी भाषा के सेनानी जो ना सेनानी क्या है, लिपि क्या है, ये पूछा। ठीक है, चलो तो 26 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना आप लोग, देवनागरी लिपि। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का, 27 कट चुका है उसका आंसर नोट करिएगा ना 27 का। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कितना नंबर, तो 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मन हो तो नोट कर लेना। 28 है कि मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया, तो नोट करिएगा 28 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर हो जाएगा, मैक्स मुलर। क्वेश्चन 29 है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं क्या है, तो आप नोट करिएगा ये कहाँ पर चलती है। तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 28 का मैंने आपको क्या बताया, 28 का सी, हाँ ठीक है, 29 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, दक्षिण भारत में। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि सर जो है ना देख लीजिएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल मैं बता दूँ ए नंबर होगा, है ना ए नंबर होगा। तो इस प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव बता दिया, सब्जेक्टिव बता दिया कहाँ पर मिलेगा, क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ देख लो आप लोग, है ना, क्वेश्चन भी देख लो। क्वेश्चन मैंने पहला पढ़ दिया था, अब इसमें 5 क्वेश्चन बनाना होगा, 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, तो मंगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाह था? दूसरा है कि बहादुर ने लेखक पर लेखक का घर क्यों छोड़ा? तीसरा है कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज की देवता कौन है? और चौथा है कवि प्रेमकंद ने दफाली किसे कहा और क्यों कहा? अगले क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर है, 5 नंबर की देवनागरी लिपि में क्या भाषाएं लिखी जाती है, और क्वेश्चन नंबर 6 की नाखून क्यों बढ़ते हैं या जो ना लेखक के आगे कैसे उचित है। आगे बढ़ेंगे, आप 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर वाला है तो 15 नंबर मिलेगा, है ना। चलिए, तो करना क्या है, व्याख्या करना है, मन पावन जो ना चिटचोर पलक ओठ नहीं करी, तो इस प्रकार से अगले क्वेश्चन आप लोग देख लो। चलो, इसका क्वेश्चन भी अच्छे से टाइप है, आपको मैंने बताया है ना, आपको मैंने भी बताया था डाउनलोड कैसे करना है, सभी बच्चे जाके कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये आपका है, मैंने भी पढ़ा था क्वेश्चन, उत्तर होगा मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकारों को लेकर के विवाद था, मंगम्मा अपने बेटों पर जो है ना बेटों और पोटों पर अधिकार बनाना चाहती थी जबकि बहू या मानने को तैयार नहीं थी, बहू अपने पति पर भी अपना अधिकार समझती थी। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 2 नंबर की बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ा, तो बहादुर ने लेखक का घर छोड़ने का कारण था, पहला बहादुर को लेखक के बेटे को ने दिन रात पिटाई की मालकिन ने उसे छिड़का और थप्पड़ लगाया, दूसरा है चोर के झूठे आरोप में बहादुर को घृणा और संदेश की दृष्टि से देखा जाने लगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर, अगली पॉइंट है, लोग उसे कुत्ते की तरह टुटकारने लगे, बहादुर को पहले की तुलना में ज़्यादा डांटा और मारा जाने लगा। अगले क्वेश्चन, अगली पॉइंट लिखना है, बहादुर के हाथ से सील जो ना सील छूट कर गिर गया और दो टुकड़े हो गए। आगे 5वां का होगा, पिटाई के डर से और लोगों के असभ्य व्यवहार से तंग आकर बहादुर ने अपना सारा सामान छोड़कर कहीं चला गया। आगे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर देख लीजिएगा, आगे हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। आगे आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, हम लोग कहाँ आ चुके हैं, एक पर सेकंड, यहाँ से मैं दिखा दूँ, अब यहाँ तो मैंने आपको बता दिया था प्रेमकर ने दफाली, ये तो मैंने बताया था ना, रामधारी सिंह का, ये सभी तो उत्तर मैंने बता दिया था। अब लॉन्ग में हम लोग आए, ठीक है, एक सेकंड, कहाँ पर हम लोग आ गए प्यारे बच्चे, रुक जाओ, अरे हम लोग यहीं पे थे ना। अब चलो ये हो गया, अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज की देवता कौन, तो रामधारी सिंह की दृष्टि में आज जनता देवता होगा, ठीक है, आज का जनता देवता है क्योंकि वही खून पसीना बहा करके जो ना देश पेशा करती है और कभी कहता है कि मंदिरों और मस्जिदों में देवता
पिता का वास नहीं है, खेत खलिहानों कारखानों आदि में काम करने वाले आज के देवता लोग हैं। और चार नंबर का क्वेश्चन है कि कवि प्रेम करने दफारी किसे और क्यों का है ना, तो यही सभी क्वेश्चन तो था ना, प्रेम कवि इस प्रकार से देख लीजिएगा, प्रेम का दफाली, हाँ बिल्कुल सही है ना। चलिए बिल्कुल सही है, आप नोट कर लीजिए, वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा तो काफ़ी बेटर होगा। देखिए कवि बरदी नारायण प्रेमकंद ने विदेशी नीति रीति नीति खान पान वेशभूषा भाषा शैली को अपनाने वाले लोगों को दफाली कहा है। इन लोगों में छह वृत्ति जो ना वृत्ति बढ़ी हुई है होती है जो ना पाश्चात्य सभ्यता सांस्कृतिक को अपनाने और वाले और अपनी सभ्यता संस्कृति को दृष्टि से देखने वाले लोगों को भी दफाली कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पाँच नंबर, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, तो देवनागरी लिपि में ये भाषाएं लिखी जाती है संस्कृत, तेंदी, मराठी, कोकनी, नेपाली, पाली, सिंधी, कश्मीरी, डोगली, खस। इसके अलावा देवनागरी लिपि में ये भाषाएं भी लिखी जाती है जो ना अपभ्रंश, अवधि, भीली, भोजपुरी, बोंडो, ब्रज, छत्तीसगढ़ और गढ़वाली, हरियाणवी, हिंदुस्तानी। देवनागरी लिपि दुनिया में स्वर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले लेखन प्रणालियों में से एक है। इसका इस्तेमाल 120 से ज़्यादा भाषाओं के लिए जो है ना किया जाता है। देवनागरी लिपि गुप्त नाम से एक प्राचीन उत्तर भारतीय लिपि से विकसित हुई ब्राह्मी वर्णमाला से भी देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। अब चलिए ये सारा क्वेश्चन का आप इसको देख लीजिएगा, ये दो का चार का, तो आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और लिख लीजिए। और संस्कृत का पेपर आएगा, हिंदी का होएगा, सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, और इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस, तो इन सभी का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।